No exam, 10th and 12th board. But what next? Reaction of student, teachers and parents. CBSE परीक्षा रद्द 2021, 14 लाख छात्रों को मिली राहत. पीएम मोदी बोले, बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. कंफ्यूजन ओवर असेसमेंट कंटिन्यू. लेकिन अभी भी असेसमेंट के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता जा रहा है. और ये मोदी का ही डिसीजन है कि एग्जाम टल जाएगा, नहीं होगा. नरेंद्र मोदी सेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द क्लास 12th CBSE बोर्ड एग्जाम आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन. वी हैव टेकन अ डिसीजन दैट इज स्टूडेंट फ्रेंडली, वन दैट सेफ गार्ड द हेल्थ एज वेल एज फ्यूचर ऑफ आवर यूथ. The decision on class 12th exam was taken after an extensive consultative process. We got several input from all over the nation which were insightful and enabled us to take a student friendly decision. Modi ne bola ki humne nation ke bahut se logon se baat kiya aur unke basis pe humne ye decision liya hai ki 12th ka exam nahi hoga jo hamare youth ke liye beneficial hai. The teaching community has played an outstanding role in the last year. I would like to applaud all the teachers for supporting the students and ensuring that the education journey continues under the new normal. Quote tweet on the Twitter. As a teacher, I would like thanks to our Honorable Prime Ministers for taking decision of cancelling the student 12th board examination. You are a virtuous person. Thank you once again, Narendra Modi, PM of India. As a parent, truly appreciate the empathy, sensitivity, understanding of the pain and keeping our most valuable assets safety in mind. Very good decision. Thank you, Modi ji, for this wisdom and CBSE board exam. Bahut se teachers ne aur bahut se parents ne मोदी जी को थैंक्स बोला और मोदी जी ने टीचरों को अप्रिशिएट किया जो उन्होंने बच्चों को साल भर पढ़ाया. लेकिन बच्चों को देखिए, तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं, बोल रहे हैं 12th स्टूडेंट्स नाउ आफ्टर एग्जाम गॉट कैंसिल. फुल तैयारी थी, पूरा लॉकडाउन पढ़ाई में निकाला, 90% पक्का था, एकदम फाड़ के रख देते. अब ये सब बेचारे बाबा जी को यूज करके बोल रहे हैं, मोहम्मद एहसान कोई है जो पासिंग हैशटैग 12 यूज करके बोल रहे हैं. और ट्विटर ने तो मीम्स पर फेस्ट ही स्टार्ट कर दी और तरह तरह के मीम्स आने लगे. ज्योति आरो माउंट आबू, नो एग्जाम नो फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन, कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम मीन्स चिल्ड्रन एट अ क्रॉस रोड. लेकिन कुछ लोग दुखी भी हैं और उन बच्चों के लिए के सपोर्ट में है जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते थे और एग्जाम देना चाहते थे. नो एग्जाम्स मीन्स डेथ ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स. इलेक्शन, कुंभ मेला, क्रिकेट, रिलीजियस फेस्टिवल एक्सेट्रा वर हेल्ड इन पीक पेंडेमिक्स. कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम इज अ बिग सेटबैक फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. What about upcoming high-profile entrance tests like NEET and JEE? If the present circumstances are thaw and stressful, then those entrance tests scheduled later may be under-prepared due to current thaw and stressful situation. What the remedy to overcome on target postponement? अगर यही है तो NEET और जी के एग्ज़ाम को कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा समझ में नहीं आ रहा है. आईएससी क्लास 12th रिजल्ट. आईसीएससी इन द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग सेट टुडे दैट द काउंसिल वांट 4 वीक टाइम टू इन्फॉर्म द मेथोडोलॉजी टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आईएससी बोर्ड कैंसिल एग्जाम. सुप्रीम कोर्ट हावर सेट दैट it will affect the students who are planning to get admitted to college abroad. Supreme Court grant 2 weeks time to finalize class 12th evaluation criteria
Class 12th Board Exam 2021. The Supreme Court welcomed the center decision to cancel the CBSE Class 12th Board Examination amid the coronavirus crisis, but inquired about the principle to apply to devise evaluation criteria to prepare results. उन्होंने बोला कि 4 वीक बहुत ज़्यादा है, 2 हफ्ता दिया जाएगा और उसके बीच में आप हमें बताइए कि आप किस बेसिस पे स्टूडेंट के का असेसमेंट करके रिजल्ट बनाएंगे। ट्रेंडिंग टुनाइट, इज अ स्टूडेंट लाइफ मोर इम्पोर्टेंट और एग्जाम? द गवर्नमेंट हैज़ वेट बोथ द थिंग एंड टेकन डिसीजन। वी आर अडेप्टिंग आवर सेल्फ टू करंट सर्कमस्टेंसेस। पीसी जोशी, एक्टिंग वाइस चांसलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उन्होंने कहा ये हम लोग ने डिसीजन लिया है बच्चों की हेल्थ को के देख करके। डिमांड कैंसिलेशन ऑफ 10th एंड 2nd PUC एग्जाम। नाउ द कर्नाटक स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग व्हाइल CBSE एग्जाम्स आर कैंसल, व्हाई नॉट आवर स्टेट बोर्ड एग्जाम? मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव कैंसल एग्जाम इवन आई रिक्वेस्ट। और सुरेश करके कोई हैं, नीमा सुरेश, जिन्होंने ये डिमांड किया टू टेक अ स्टैंड विद द स्टूडेंट लाइफ मैटर, सेव स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक गवर्नमेंट, प्लीज लिसन टू स्टूडेंट, कैंसल बोर्ड एग्जाम, लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एग्जाम। CBSE एग्जाम्स आर कैंसल, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स वांट जस्टिस। अब तरह तरह से ट्वीट आ रहा है, ट्विटर पे जाइए आप, हमारे भरा हुआ ट्वीट्स है। लेकिन मेरे ओपिनियन में, इन माय ओपिनियन, एजुकेशन मस्ट बी लाइक अ फिनलैंड एंड नीदरलैंड पैटर्न, वेयर नो एग्जाम हेल्ड अप टिल द 10th क्लास एंड दे पास देम अकॉर्डिंग टू देयर डेली बेसिस वर्क एंड असेसमेंट एंड नो फीस चार्ज बाय देम। द टीचर्स आर नॉट पार्शियल एंड दे केयर अबाउट देयर स्टूडेंट इन ऑल एस्पेक्ट। दे आर स्पेशली ट्रेन टू टीच द स्टूडेंट एंड क्रिएट द होम लाइक एनवायरमेंट। आफ्टर 10th दे ऑप्ट स्पेशल ब्रांच अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड देन दे हैव पास टू पास सम एग्जाम टू गेट प्रॉपर स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड दे हैव नो प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, सोसाइटी और स्कूल। School is responsible for their fooding, clothing and all other aspects. Total development depend upon the school and home. वहाँ पे special type के teachers जो होते हैं, वो हर कोई नहीं वहाँ पर teacher बन जाता। कुछ teachers को special training होती है जो दी जाती है, जिसके basis पे वो बच्चों को उसी ढंग से treat करते हैं जैसे वो अपने बच्चों को treat करते हैं घर में, और उनको गाइड करते हैं कि तुम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चे अपनी स्ट्रीम को अपनाते हैं और उनको ये समझ में आता है कि हाँ, हम किस चीज़ में अच्छा कर पाएंगे, तो वही काम करते हैं। और वो हैप्पी भी रहते हैं क्योंकि उनको कोई एग्ज़ाम का टेंशन नहीं होता है, वो हर चीज़ों को खुशी खुशी कर पाते हैं। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज़ ऑल। इफ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक।